हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 30 तारीख और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो अभी पूजा होने वाली है और अभी 7 बजे हैं सुबह के, तो पंडित जी आने वाले हैं और हमने सारी तैयारी कर ली है पूजा की और सब नहा धो के रेडी भी हो गए हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने पहनी है साड़ी। तो अभी हम लोग पूजा में बैठेंगे और उसके बाद रात में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो पूजा की सारी तैयारी कर दी है, सारा सामान यहाँ पर रख दिया है जिसकी हमें पूजा में ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो चौकी है इस पर अभी भगवान जी को रखा जाएगा लाल कपड़ा बिछाकर, और जब पंडित जी आ जाएंगे उसके बाद हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। तो हमने सारी व्यवस्था कर दी है। आरोग्यम सुखम फलम मम बुद्धि प्रकाशा दीव ज्योति नमस्ते। दीव देवताभ्यो नमो नमः। दीव देवताभ्यो नमो नमः। दीव देवताभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायणाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम विष्णुवे नमः। हरि ओम विष्णुवे। तो वो हमारी पूजा समाप्त हो गई है और हर साल हम लोग अथर्व के जन्मदिन पर पूजा कराते हैं। तो पंडित जी भी चले गए हैं, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। नहीं, मैंने चाय बनने रख दी है क्योंकि हमने सुबह चाय नहीं पी थी, बहुत जल्दी में सारा काम किया था क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी जाना था, तो इस वजह से। तो अभी मैंने चाय बनने रख दी है और चाय पीने के बाद हम लोग जाएँगे मंदिर। और मंदिर में क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आई है जिससे मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ साईं बाबा के मंदिर, और उसके बाद आकर दूसरे काम करूँगी और अथर्व के बर्थडे की तैयारी भी करेंगे। तो घर देखते हैं, घर पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है बारिश वाला। तो हम लोग सोच रहे थे कि बाहर जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो पार्टी दे रहा है आज? दे देना। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और ये साईं बाबा का मंदिर है और इस मंदिर को बने हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ खेत हैं, तो यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर में आके। आथर भी जरा लोग मंदिर से आ गए थे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल्स क्योंकि सबको भूख लग रही है। Thank you.
तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अथर और प्रिया भी रेडी हो गई हैं। तो अभी 8:47 हो गया है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग रेडी नहीं हुए थे और अभी लाइट भी चली गई है। तो अब बस हम लोग निकलने वाले हैं, अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है। तो आज मैंने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, कभी भी ऐसे नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है। और बस हम लोग अभी निकलने वाले हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे हम लोग। तो हम लोग आ गए हैं अथर का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो यहाँ पर हो रहा है फोटो सेशन। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये है होटल पर्चवुड, हमारे घर के बिल्कुल पास। चलो यहाँ पर भी जंगल सफारी होती है। ये बर्थडे बॉय वो नीचे रख ले उधर दे। क्यों आ जा तू भी इधर? बैठ के चलो क्लैपिंग करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्थर, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्कूल से खिला देते। फोटो नहीं खींच रही हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ। दादी इधर देखो, इधर तो देख, लिख ला दे टिया। इतना बड़ा मुंह खोलता है। सर्व कर दो हमें भी रोटी। क्या क्या जाओ। वापस घर डिनर करके और अथर का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। तो अभी टाइम हो रहा है 10:05। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद सोते हैं, क्योंकि आज हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए थे, तो सर में भी दर्द हो रहा है। ये देख वाइट टिश्यू पे मैंने मना किया था ना, अब ये छूटेगा भी नहीं, चॉकलेट का दाग। वाइट कपड़े तो ना पहनने ही नहीं चाहिए तुझे। मम्मा तो
आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर देना, और जल्दी जल्दी मेरे 100K करवा दीजिए ताकि हम एक और सेलिब्रेशन करें। तो मेरे 100K बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।